महाराष्ट्र के नागपुर के बाजार गांव स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट होने से 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव शुरू कर दिया है। पुलिस ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक विस्फोटक कंपनी में धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। घटना को लेकर कंपनी के मालिक ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह 9:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। मुझे 9 लोगों के मौत के साथ साथ कई काम करने वाले घायलों की जानकारी मिली है। यह हादसा कोल ब्लास्टिंग के लिए बारूद पैकिंग करते वक्त हुआ है। आपको बता दें कि सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड यह देश के रक्षा विभाग के लिए एक्सप्लोजिव और अन्य रक्षा उपकरण तैयार करती है। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।